कंपिटिशन एजुकेशन फॉर बेटर टुमर कहे आज क्लास सप्तम श्रेणी गणित विभाग अष्टम अध्याय व्यावहारिक गणितर अनुशूलनी 8.4 जोटा कि हूँ रिहाती सहित डिल करवा प्रीवियस क्लास रे रिहाती सम्यक धारणा टिके नहीं जाइए आज क्लास आगे एक्सटेंड कर किसी उदाहरण सल्व करवा किसी नुआ प्रश्न प्रणाली देखा आउ कौन हो पाए अनुशूलनगत क्वेश्चन को आम सल्व करवा ओके पे तेज आरंभ करवा आज अध्याय को से कहते पे जड़े दोकानी राइट जड़े दोकानी लिखित मूल्यर 250 टंका होइथिबा जत्ता को रिहाती दे 220 टंका रे बिक्री पाई विज्ञापन देले नेले न देले ओके आ नेले ठीक अछि तेबे से शतकड़ा केते रिहाती रे जत्ताटी को बिक्री कला सिंपल सी कन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करनो छि तापर तार रिलेटेड आउ जा के छि तार के वैरायटी क्वेश्चन बा के नुवा क्वेश्चन तो मा को आनु छि राइट दैट मीनस एटू गोटे जिन मत बुझा पड़गला पे कौन बुझा पड़गला कह ना हूँ जोतार लिखित मूल्य खाली सिंपली लिखुची मुझे ठीक अच्छे ना लिखित मूल्य के मिलला पे मत सर लिखित मूल्य होगा हूँ समान 250 टंका राइट लिखित मूल्य मिलला मत पे 250 टंका बिक्री हे के 220 टंका दैट मीनस विक्रय मूल्य है विक्रय मूल्य केते टंका हला पिले ना 220 टंका 220 टंका राइट ओके तो एटू मते रिहाती तुम कैलकुलेट कर पारिबो सर रिहाती आराम से कैलकुलेट कर दे पारिबो रिहाती केते हला पिले सर रिहाती हला लिखित मूल्य राइट पूरा प्रोसेस फॉलो कर लिखित मूल्य माइनस माइनस लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य राइट ओके ठीक अच्छे लिखित मूल्य के 250 टंका केते वियोग करिवे से ना सर 220 टंका को आपण वियोग करिवे केते मिलियो मते ना सर 30 टंका मिलियो राइट 30 टंका रिहाती मिल सारी पे रिहातीर परिमाण मिल सारी टंकार से कौन पचारा शतकड़ा रिहाती राइट तो थर आमको जना अच्छे फर्मूला पूरा फर्मूला प्रोसेस दे चलवा शतकड़ा रिहाती समान शतकड़ा रिहाती ना रिहाती राइट डिवाइडेड बाय कहे कौन सर लिखित मूल्य गुणन केते हो पिले सर 100 राइट तो फिर एटा जगह मुझे लिखी दे पारे रिहाती जगह के लिखी पिले 30 रुपीज डिवाइडेड बाय लिखित मूल्य जगह मुझे लिखी पिले ना हूँ 250 गुणन के लिखी पिले 100 राइट यार गोटे जीरो कैनसल हो गला 25 मुझे 4 गुणिले 100 दब तो 3 गुणन 4 के आसला पिले 12 दैट मीन शतकड़ा रिहाती के 12 शतकड़ा बुझीगला ते कथा क्लियर ओके क्वेश्चन को टिके चेंज कर दवा राइट क्वेश्चन को टिके चेंज कर दवा कौन से कहूँ ना सपोज से जोतार दाम जो जोता कथा से कही जोतार दाम धरी नियो ठीक अच्छे जोतार लिखित मूल्य लिखित मूल्य से 250 अच्छे ठीक अच्छे से कौच शतकड़ा रिहाती दे जाए गोटे नुआ भेराइट क्वेश्चन आने चेष्टा कर शतकड़ा रिहाती सपोज 20% के कहला पे शतकड़ा रिहाती 20% पचार विक्रय मूल्य निर्णय कर सर सिंपल क्वेश्चन अच्छे मुझे जानती सिंपल क्वेश्चन अच्छी बाकी मुझे दुईटा वे सल्व करी आपको ठीक अच्छे विक्रय मूल्य निर्णय कर राइट ओके देखिए तुम्हें जनरली कौन कर शतकड़ा रिहाती 250 टंकार 20% हूँ तुम कौन हो रिहाती 20 शतकड़ा हूँ रिहाती दैट मीन तुम रिहाती कमी कैलकुलेट कर रिहाती कमी पाइब ना हूँ
कौन करियो पहले लिखित मूल्य गुणन, लिखित मूल्य गुणन कौन करियो पहले शतकड़ा रिहाती, शतकड़ा रिहाती डिवाइडेड बाय 100 ए लिखिबो त। अच्छा लिखित मूल्य जगह तुम लिखिल केते बले 250 गुणन शतकड़ा रिहाती केते होची 20 विभक्त 100 ठीक अछि। 0 0 कटिला यार गुटे 0 गुटे 0 कटिला 20 25 गुणन 2 हला केते 50 टका। 50 टका कोन मते मिलिछि बले सर रिहाती मिलिछि। दैट मीन्स विक्रय मूल्य केमिति कैलकुलेट करिवो, विक्रय मूल्य समान तुम्हें एमती लिख लिखित मूल्य माइनस रिहातीर परिमाण रिहाती तो फिर ये जगह लिखे 250 माइनस 50 व्हिच इज इक्वल टू 200 200 टंका तुमको मिलगला हूँ विक्रय मूल्य। चलो सेम क्वेश्चन को आउ गोटे वे सॉल्व करवा। देखो पहले लाभ क्षति बेले क्रय मूल्य को सर्वदा 100 नवाप 100 शतकड़ा नवाप तुमको कही कहीं से लाभ बा क्षति कहा आधार रे हुए क्रय मूल्य बा किणा दाम आधार रे हुए सेमिति रिहाती कहा आधार रे हुए ठीक अच्छे ना सर लिखित मूल्य रिहाती जो दि जाए लिखित मूल्य उपरे दि जाए ठीक अच्छे से तेणु मोर कहवा कथा लाभ क्षति रे क्रय मूल्य जगह को रिहाती रे लिखित मूल्य नहीं जाइए राइट बुझे नौ एटी कौन करिया पिले ना सर्वदा लिखित मूल्य को 100 शतकड़ा नवा केते नवा लिखित मूल्य को केते नवा पिले ना 100% नहीं जीवा राइट बुझेगला तो सेठी क्रय मूल्य को 100 शतकड़ा धरुले एटी लिखित मूल्य को आम नहीं जीवा कौन ना 100 शतकड़ा क्लियर बुझेगला। ओके नेक्स्ट जदि या कंडीशन ए क्वेश्चन को सही हिसाब से इंटरप्रेट करिया जाना पड़ो दुईटा खंड क्वेश्चन हो तुमको जो सर्टकट मेथड कथा कहूँ दुईटा खंड लिखित मूल्य जदि 100 शतकड़ा रिहा शतकड़ा रिहाती जदि दे जाइथिव शतकड़ा रिहाती जदि मते से दे जाइछि तो शतकड़ा रिहाती को ता तळे लेखो शतकड़ा रिहाती केते दे जाइछि बले 20 शतकड़ा देखो दैट मीन्स विक्रय मूल्य शतकड़ा रे केते हेबो ना 80 शतकड़ा विक्रय मूल्य कौन थे बोले शतकड़े के 80 शतकड़ा कहार ना लिखित मूल्य 80 शतकड़ा कथा कि बुझीगला गोटे क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर विक्रय मूल्य हूँ शतकड़ा के 80 शतकड़ा कहार ना लिखित मूल्य यही क्वेश्चन पर डायरेक्टली जदि मुझी कौन करी ना विक्रय मूल्य शतकड़ के 80 शतकड़ा 80 गुणन केते अच्छे पहले तुम्हार लिखित मूल्य केते 250 डिवाइडेड बाय 100 जदि मुझुची मत युश मिलूँ ना नहीं आम से चेक करने चाहूँ राइट 0 0 कैनसल ये आउ गोटे 0 ये 0 सहित कैनसल 8 गुणन 25 है 200 टाँह मिलना पहले जाणी ही नदी जाणी नहीं आउ गोटे एक्जाम्पल ना ठीक अच्छे टी सर्ट्रे लिखुच मानू ठीक अच्छे ना। ओके देख देख सपोज अच्छी लिखित मूल्य 500 टाँचा ठीक अच्छे शतकड़ा रिहाती देजी शतकड़ा रिहाती देखुच सपोज 10% रिहाती के मत पचारे से कहते शतकड़ा रिहाती कौन विक्रय मूल्य निर्णय करण कौन निर्णय करार अच्छे बोले विक्रय मूल्य निर्णय करार अच्छे मोर मु कौन करी देख लिखित मूल्य को कैसे धरवि पे लिखित मूल्य मोर के शेष लिखित मूल्य ना 100 शतकड़ा 100 शतकड़ा को लिखी 500 शतकड़ा रिहाती के एमती लिखी दे ठीक अच्छे ना शतकड़ा रिहाती अच्छे 10% लिखित मूल्य रु जदि तुम्हें शतकड़ा रिहाती को वियोग माने रिहाती को जदि वियोग करुच तुमको कौन मिले विक्रय मूल्य मिले दैट मीन्स विक्रय मूल्य कौन हिसाब से मिले शतकड़ा तो शतकड़ा विक्रय मूल्य सामान
शतकड़ा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बी मूल्य लिखुच से कहते हैं 90% कहार लिखित मूल्य राइट। तो फिर विक्रय मूल्य को डायरेक्ट कमी कैलकुलेट करवा सर 90 × 500 पाँच विभक्त सरी जीरो जीरो कैनसल ये गोटे जीरो ये गोटे जीरो कैनसल पाँच गुण नौला 45 450 टकर तारमें से बिक्री होती। अच्छा आंसर ठीक अच्छे भूल अच्छे जानवा कमी तो मुझे आंसर ठीक अच्छे ना भूल अच्छे जानवा कमी राइट। ओके देख कमी जानवा शुण कौन है घटना ना देख 500 टंका उपर 10 शतकड़ा रिहाती 500 टंका 10 ताले रिहातीर परिमाण केमिति बाहर करिवो ना सर रिहाती समान 500 गुणन 10 विभक्त 100 राइट। 00 2टा 0 कैंसिल होला 5 गुणन 10 होला 50 टंका लिखित मूल्य थिला तमर होची 500 टंका रिहाती पाइलो 50 टंका दैट मींस विक्रय मूल्य केते होला पिले ना सर 500 माइनस 50 केते होला 450 आंसर बोथ केसेस रे समान अछि चेक करनी। आउ गोटे एक्जामपल नहीं जाओ शुण दु तीन टा एक्जामपल एम ना पड़ो अदरवैज फंडा क्लीयर हाँ ये आसान नुहे बाबा ठीक अच्छे ना गोटे जगार जो क्वेश्चन अच्छे से कहे लिखित मूल्य गोटे सैकेल लिखित मूल्य हूँ 2000 टाँह कैसे टाँग मिले 2000 टाँह यहाँ हूँ लिखित मूल्य। लिखित मूल्य को एमती लिखुच ली ठीक अच्छे 2000 टाँह से कहे शतकड़ा रिहाती शतकड़ा रिहाती तुम हूँ सपोज 10% के कहला बोले 10% ठीक अच्छे मुझे विक्रय से पचार विक्रय मूल्य निर्णय कर विक्रय मूल्य ठीक अच्छे ना विक्रय मूल्य निर्णय कर देखा विक्रय मूल्य केते विक्रय मूल्य केते बाहर कर सिंपल से कथा लिखित मूल्य के बिले ना सर 100 शतकड़ा शतकड़ा रिहाती कैसे अच्छे 10 दैट मीन विक्रय मूल्य के शतकड़ा रहा 90% कहार लिखित मूल्यर तो फिर लिखित मूल्यर 90 शतकड़ा कैलकुलेट करदे ना सर 90 × 2000 बा 2000 विभक्त 100 विक्रय मूल्य शतकड़े गुणन लिखित मूल्य परिमाण में विभक्त 100 दुटा जीरो यार दुटा जीरो कैनसल हो गला 9 × 2 है हूँ पे 18 अबा 18 दुटा जीरो आ गए ये जीरो ये गोटे जीरो अच्छे रईट दुटा बस दैट मीन विक्रय होते बिक्री मूल्य कते टाँग पाइल 1800 टाँह जदि से तुमको पचारा रिहाती के कैलकुलेट कर रिहाती तुम आईदेर यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर कौन कर 2000 10% बाहर करदेव 2000 × 10/100 गोटे जीरो कैनसल बाबा ये गोटे जीरो कैनसल तो फिर रिमेनिंग रहा हूँ 200 टाँह रईट एमती कैलकुलेट कर और एल्स मतलब ये जब रिहाती कैलकुलेट कर लिखित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य दैट मीन 2000 − 1800 करेक्ट 1800 के आसगला बोले 200 रुपीज जानी है यार आउ गोटे पैटर्न को जीवा बहुत पैटर्न अच्छे पैटर्न आउ गोटे पैटर्न को जीवा से कहे सपोज लिखित मूल्य अच्छे बिले राइट लिखित मूल्य ठीक अच्छे ना सपोज से लिखित मूल्य कहे 1200 टाँह कौन कहला 1200 टाँह ठीक अच्छे लिखित मूल्य देखिए 1200 टाँह। अच्छा लिखित मूल्य वाला पैटर्न हो सारी अच्छा ये क्वेश्चन टाक भी लिखित मूल्य बना से कहे आउ गोटे पैटर्न को विक्रय मूल्य ठूँ नहीं जा रही था वेट कर ना पे यू चेंज करदे टोटाल यू कौ रखानी ठीक अच्छे यहाँ थर विक्रय मूल्य कहला हूँ 1200 टाँह से कहे रिहाती रिहाती हूँ लेट से 10% रिहाती कते परसेंट रिहाती शतकड़ा रिहाती खाली रिहाती नुह शतकड़ा रिहाती राइट शतकड़ा रिहाती हूँ 10% ठीक अच्छे से पचार लिखित मूल्य निर्णय कर आ गए पैटर्न है ना लिखित मूल्य केते हबो निर्णय कर देखो एठी लिखित मूल्य दिया जाए विक्रय मूल्य ठू स्टार्टिंग करी राइट। अच्छा शुण आम लिखित मूल्य को सब धरिया बोले कही 100% जदि लिखित मूल्य 100% है 100 शतकड़ा है लिखित मूल्य को 100 शतकड़ा तुम धरल रिहाती के शतकड़ा अच्छे ना 10 शतकड़ा
ମୁଁ ଖାଲି ବୁଝାଉଛୁ ଆଗ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ଯଦି ମୁଁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତିକୁ ବିୟୋଗ କରିବି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ 90%। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଶତକଡ଼ା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶତକଡ଼ାରେ, ରାଇଟ୍? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶତକଡ଼ାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନା ଶତକଡ଼ାରେ, ଶତକଡ଼ାରେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 90%। ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହୁଛି, ତାର ମିନ୍ସ ଏଥିରୁ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା 90%କୁ ବା 90 ଶତକଡ଼ାକୁ 1200 ଟଙ୍କା, ରାଇଟ୍? ତ 1%କୁ କେତେ ହେଇଥିବ ପିଲେ ନା ସାର୍ 1200 ବିଭକ୍ତ 90, 1200 ବିଭକ୍ତ 90, ରାଇଟ୍? ଓକେ, ଦେନ୍ ଯଦି ଏହା ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆର୍ ରଙ୍ଗ 90% କହୁଛି 1200, ହଁ 1200 ବିଭକ୍ତ 90 ଟଙ୍କା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦେନ୍ ଯଦି ସେୟା ହେଲା, ଦେନ୍ ପିଲା ଦେଖ ତ ଫେର୍ 100%, 100%ଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି 100% ବା 100 ଶତକଡ଼ା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ହେଉଛି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ତ 100 ଶତକଡ଼ାକୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 1200 ବିଭକ୍ତ 90 × 100। ତୁମେ ୟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରି କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ନେଇ ପାର, ଯାହା ବି ଭାଲ୍ୟୁ ତୁମକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ଜାଣି ହେଇନଥିବ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ପିଲେ, ସପୋଜ୍ ମୋତେ ଦେଇଛି, ପୁରା ଠିକ୍ସେ ଲେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କହିଲା ସପୋଜ୍ ଲେଟ୍ସ ସେ 2500 ଟଙ୍କା, ରାଇଟ୍? କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ପିଲେ? 2500 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ରିହାତି ହେଉଛି ଶତକଡ଼ା ରିହାତି, ରିହାତି ନୁହଁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି, ରାଇଟ୍? ରିହାତି ନୁହଁ ଶତକଡ଼ା ରିହାତି, ଓକେ? ଶତକଡ଼ା ରିହାତି ହେଉଛି ତୁମର ଲେଟ୍ ସେ 20%। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିଲେ? 20%। ପଚାରା ଯାଉଛି ଯେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବି ବା କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବି, ରାଇଟ୍? ଆଚ୍ଛା ଭଲସେ ଶୁଣ, ମୋତେ କ'ଣ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ, ଓକେ? ଯଦି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଧରିବି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟକୁ କେତେ ଧରିବି ପିଲେ? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟକୁ କେତେ ଧରିବି ମୁଁ ନା ସାର୍ ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ନେବି? 100 ଶତକଡ଼ା। ରିହାତି କେତେ ଅଛି ଶତକଡ଼ାରେ, ରାଇଟ୍? ଶତକଡ଼ା ରିହାତି କେତେ ଅଛି ପିଲେ ନା ସାର୍ 20%। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ ପିଲେ ନା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ରାଇଟ୍? ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶତକଡ଼ାରେ, ଶତକଡ଼ାରେ କେତେ ମିଳିଲା? 80 ଶତକଡ଼ା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହୁଛି 80 ଶତକଡ଼ାକୁ କେତେ ପିଲେ? 2500। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 1%କୁ କେତେ ହେଇଥିବ ପିଲେ ସାର୍? 2500 ÷ 80। 100 ଶତକଡ଼ାକୁ କେତେ ହେବ ପିଲେ? ଏଇଟା କ'ଣ 100 ଶତକଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। 100 ଶତକଡ଼ାକୁ କେତେ ହେବ ପିଲେ ନା 2500 ÷ 80 × 100। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିରୋ ପିଲେ କଟିଗଲା। ଯଦି ଏହାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବି, ଏଇଟାକୁ ଯଦି 2ରେ କାଟିବି, ଇଏ 4 ଦେବ, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ 2ରେ କାଟିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର 125, ରାଇଟ୍? ଏଇଟାକୁ ଯଦି 4କୁ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବି, ଇଏ ଦେବ ମୋତେ 25। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କେତେ ମିଳିଲା ପିଲେ? 125 × 25। ଡାଇରେକ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଜାଣିଛ, 125 × 25, 25ରେ 5 ଗୁଣିଲେ 125, 5 ହାତରେ ରହିଲା ତୁମର 12, 25 × 2 ପିଲା କେତେ ହେଲା? 50। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 62, 62ରୁ ପିଲେ 2 ଲେଖିବି, ରିମେନିଂ ରହିଲା କେତେ ମୋ ପାଖରେ ପିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା କେତେ ପିଲେ ଦେଖ, ରହିଲା ହେଉଛି 6, 25 × 25, ତାହେଲେ 6 × 5 = 31 ହେବ, ≈ 3125 ଟଙ୍କା, ରାଇଟ୍? ଜାଣିହେଲା, ବୁଝିହେଲା କି? ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିବାର ବହୁତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବେସିକ୍ସ ପାଇଁ ଏମିତି ତୁମକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିକେସି ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବଢ଼େ ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦି ଡେ, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ।